बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तमाम देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले बहन भाइयों को मोहम्मद उमर भली का अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत खूबसूरत ब्राइट दिन है जी, हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको बताता हूँ रिपीट करता रहता हूँ यही बात, खैर छोड़ें उसको। मसे का मौसम है और संडे का दिन है, और मैंने आज आपको एक बात बतानी है। वो बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से मैंने अपना नेक्स्ट ट्रिप जो है वो प्लान कर लिया है, और मैं दो मुल्कों के लिए जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ इंशाल्लाह फरवरी के स्टार्ट में। तो अभी मिड ऑफ जनवरी चल रहा है, तो 15 दिन रह गए हैं। 15 दिन के बाद मेरा इंशाल्लाह ट्रैवल है, उसमें मैं दो मुल्क विज़िट करूँगा। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि वो कौन से दो मुल्क हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, मगर फ़िलहाल 15 दिन में हमने पैकिंग का आगाज़ कर दिया है और बैग्स वगैरह आज हमने जो है वो सेट किए थे, उसमें कुछ चीज़ें रखना शुरू कर दी थी। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर शॉपिंग करने के लिए, रोनी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी है, और कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो लेने हैं जहाँ हम जाएंगे, जिन दो मुल्कों में, वहाँ पर जिन लोगों से हम मिलेंगे उनको देने के लिए। तो अल्लाह पाक इस सफ़र को हमारे लिए जो है वो महफूज रखे और खैर वाफ़ियत का रखे। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मैं किन दो मुल्कों में ट्रैवल करने जा रहा हूं। अभी हम चलते हैं और शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, और आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हम कहां जा रहे हैं। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, मुझे बस चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। हाँ तो जी, ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, और मैं एक मुसाफिर हूँ, और अगले सफ़र का आगाज़ हो चुका है इंशाल्लाह। हम नए सफ़र के लिए जो है वो बड़े एक्साइटेड हैं, और शॉपिंग का भी आगाज़ हो चुका है। बट साहब के लिए हैं जी क्रॉक्स ब्लैक में, और रोनी के लिए जी नाइकी के। और जब भी कहीं जाने लगे हैं तो शॉपिंग, जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो शॉपिंग में सबसे पहली चीज़ होती है शूज़, क्योंकि मुझे शूज़ का क्रेज़ है और मैं शूज़ लेता हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी कनाडा जाते भी दो शूज़ लिए थे, अभी फिर दो शूज़ ले रहे हैं। तो पहला शूज़ पसंद किया है ये, दूसरा शूज़ है स्केचर का ये, और तीसरे शूज़ हैं ये। और अब लेंगे जी क्रॉक्स के ऊपर लगाने के लिए कुछ जिबिट्स लेंगे, जो उसके ऊपर लगाते हैं, ये भी हमेशा लेने पड़ते हैं क्योंकि क्रॉक्स इसके बगैर अच्छे नहीं लगते। हाँ जी, शॉपिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और सिर्फ 2 वीक्स रह गए हैं हमारे जाने में। तो हम आराम आराम से लगे हुए थे शॉपिंग करने, क्योंकि अभी काफ़ी दिन थे, तो हमने कुछ लगेज बैग लेने थे वो ले लिए, कुछ शूज़ लेने थे बच्चों के लिए, भाई के लिए, बाबा के लिए वो भी ले लिए, कुछ कपड़े लेने थे बच्चों के वो भी ले लिए, और कुछ और चीज़ें थीं, और कैंपिंग के लिए लेना था, कैंप लेना था वो भी ले लिया, और ऐसे और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो भी ले ली। तो अब कुछ पर्टिकुलर 2-4 चीज़ें रह गई हैं लेने वाली, वो हम लेंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही है, और बारिश मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बारिश में बाहर निकला था। थोड़ी सी ड्राइव की है, और अभी गैस डलवाई है गाड़ी में, और गैस ये जो है ना, ये यहाँ पर फ्यूल को, पेट्रोल को गैस कहते हैं, तो ये वो वाली गैस नहीं है कि वो पाकिस्तान में जो हम CNG की लाइनों में लग के गैस डलवाते थे, तौबा तौबा, या अल्लाह, वो भी एक अजाब था, उससे जान छूटी। मगर ये कि यहाँ पर वो पेट्रोल को गैस कहते हैं, तो पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, और अभी मैं रोनी को और मेरी वाइफ को पिक करूंगा घर से, और फिर हम जाएंगे थोड़ी सी मज़ीद शॉपिंग करेंगे। आज रोनी को थोड़ी सी एक्टिविटी करवानी है, वो करवाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 वीक्स के लिए जा रहा हूँ वेकेशंस पे, जिसमें मैं दो मुल्कों का विज़िट करूँगा। इसमें से एक मुल्क में तो मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैंने वो प्लान किया। दूसरे मुल्क में मैं पर्टिकुलरली घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, और 14 दिन में से 2 दिन तो मुझे ट्रैवलिंग में लग जाएंगे, एक दिन जाने में एक दिन आने में, और जो 12 दिन उनमें से 10 दिन मेरा एक मुल्क में ट्रिप है और 2 दिन मेरा एक मुल्क में ट्रिप है। तो अभी मैं आगे मज़ीद आपको बताऊंगा कि वो कौन से दो मुल्क हैं, उनमें से एक मैं आपको बता दूंगा, दूसरा मैं आपको जब वहाँ पहुँचूँगा फिर बताऊँगा, क्योंकि मैंने अभी सरप्राइज़ रखा हुआ है अपनी फैमिली के लिए भी। अच्छा, अब ऐसे है कि जो लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछते रहते हैं कि भाई आप क्या करते हो क्या करते हो, भाई मैं कुछ नहीं करता, बस आप सबकी दुआओं से चलता फिरता हूँ,
और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ आके कुछ भी नहीं करता, मैं बिल्कुल निकम्मा निठल्ला नलायक किसी काम का बंदा नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है, मैं सिर्फ घूमता फिरता हूँ और कुछ नहीं करता। तो मैं आगे आपको बताऊँगा आगे चल के किसी वीडियो में कि क्या करना चाहिए और मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, मेरा पेज को फॉलो करें, काइंडली आपका कुछ नहीं जाना, वीडियो को देख के शेयर कर दिया करें, ना ये पाकिस्तानियों वाली हरकतें ना किया करें, हसद और जेलसी जो हमारे अंदर से नहीं जाती ना कि हम किसी की वीडियो को लाइक क्यों करें, हम क्यों शेयर करें, वो पता नहीं उसको क्या मिल जाएगा। ओ भाई इससे आगे निकलो, इससे ऊपर जाओ, आप भी कुछ करो लाइफ में। अगर आप किसी का कुछ देखते हो तो उसको शेयर करने लाइक करने से आपका कुछ नहीं चला जाता, उसका हाँ थोड़ा सा हो सकता है फ़ायदा हो जाए, मैं ऐसे झूठ बोलूँ आपसे, मुझे शायद कुछ फ़ायदा हो जाए आगे चल के, पर अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, मगर आगे चल के शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, तो आप लोगों को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जिस चीज़ से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो उसमें आप लोग जो है ना वो कंजूसी मत किया करें, बुखल में आ जाता है, ये बुखील इंसानों की हरकतें होती हैं ऐसी कि कंजूसी करना, किसी को अप्रिसिएट करना और किसी को शाबाश देना और किसी को लाइक शेयर करना भी जो है ना ये भी अप्रिसिएशन में आता है। तो अगर आप नहीं किसी को कर सकते तो आप बुखील इंसान हैं। तो बुखील मत बने, थोड़ा सा यार अपने अंदर से ज़रा थोड़ा सा जज्बात निकालें, थोड़ा सा अपने भाइयों को पाकिस्तानियों को उठाने के लिए सपोर्ट किया करें। सारी दुनिया अपने मुल्कों को सपोर्ट करती है, आप ही हैं बस बस पाकिस्तानियों का कुछ ना करना। चले अब मैं बस निकलता हूँ बाहर, तो शॉपिंग में थोड़ी सी वीडियो को एंड करके तो इस व्लॉग को क्लोज करते हैं। आपको बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि दो कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, तो उसमें से एक कंट्री मैं आपको बताऊँगा। तो वो एक कंट्री है जी, मैं दुबई जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि अब दुबई जो है वो एक किस्म से एक सेकंड होम है हमारे लिए, क्योंकि बड़े भाई जो हैं वो आयरलैंड से दुबई शिफ्ट हो गए हुए हैं, तो अभी उनको वहाँ आए तीन चार माह आए हुए हैं, मगर ये कि अब हम जा रहे हैं उन्हें मिलने के लिए, और इसलिए जा रहे हैं स्पेशली कि वहाँ पर अम्मी अबू भी वहाँ पर ही हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और हम दुबई भी घूम लेंगे और हमारी वेकेशंस भी हो जाएंगी। तो इसलिए एक कंट्री तो है दुबई, और दूसरी कंट्री इंशाल्लाह मैं जब अगला वीलॉग बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि दूसरी कंट्री कौन सी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ जुड़ के रहिएगा, मैं आपको सारा दुबई जहाँ जहाँ मैं घूमूंगा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, और आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे वहाँ जा सकते हैं और कौन कौन से काम कर सकते हैं और कितने एक्सपेंस में कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।